सरकारी नौकरी पाना आज भी यूथ के लिए एक सपना है, और मतलब लाखों यूथ हर साल पागल होते कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या आपके ज्योतिषाचार्य में भी, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कुछ है जिसको करके मिल सकता है सरकारी नौकरी? देखिए, वैसे तो प्रमुख रूप से सरकारी नौकरी का योग होता है कुंडली में, ये कौन सा योग है ये भी बताइए। और सूर्य सूर्य और गुरु ये विशेष रूप से सरकार से सीधा संबंध रखते हैं, उसे चंद्रमा का भी संयोग होता है। लेकिन जब छठे भाव या दशम भाव से सूर्य और गुरु का संबंध होता है और गुरु वह शुभ होते हैं, सूर्य शुभ होते हैं, तो उसको निश्चित रूप से सरकार से लाभ मिलता है, सरकारी सेवा में लाभ मिलता है। तो देखिए, जिसके कुंडली में बिल्कुल योग न हो हाँ उसको तो कोई उपचार काम नहीं करेगा, लेकिन किसी के कुंडली में अगर योग है, क्योंकि एक एक पद के लिए जो है 5,000 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, तो उपाय तभी काम करेगा जब उसके कुंडली में योग हो। और हाँ, चूंकि उसका कंपटीशन कई लोगों से है, एक ही पद के लिए बहुत लोग हैं, तो वो उपचार उसको जो है लाभ देगा, निश्चित रूप से लाभ देगा। उसके लिए सूर्य उपासना में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, गायत्री मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है, और यदि बृहस्पति दे रहे हैं तो फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करना, निश्चित रूप से इसको लगातार करने से उसके योग प्रबल हो जाते हैं और वो सफलता प्राप्त कर लेता है। ये एकदम काम करता है, काम करता ही करता है। लेकिन देखिए, वो होता है कि ना कोई भी ऐसा, तो ये जो आप जो कह रहे हैं उपाय, क्या ये पहले कुंडली अपना दिखा के करना चाहिए या रैंडमली कोई भी कर सकता है? नहीं, देखिए कुंडली में वही चीज जान लेना चाहिए कि हमारी पात्रता क्या है, हमारे जीवन में सरकारी नौकरी के कहीं संबंध बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। हमारे अंदर पात्रता रहेगा तब ना हम उसके लिए जो है प्रयास करेंगे। हमारे घर में अगर राशन है तो हम बना के खा सकते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास वो सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, फिर इसके बाद हमारा कर्म उस पे हो सकता है। अगर वो है ही नहीं तो फिर हम नहीं कर सकते हैं।